सो हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्नैप सेटिंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि आप रेविट में देख सकते हैं, मैं अभी रेविट में आ चुका हूं। तो अगर आपको स्नैप सेटिंग करनी है तो स्नैप सेटिंग करने के लिए आप लोग को यहां पे सबसे पहले मैनेज में जाना है। मैनेज में जाने के बाद आपको यहां पे दिख रहा है स्नैप्स, ठीक है। स्नैप एक तरीके से क्या होता है, मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ। इसको ओपन करके यहाँ पे क्या लिखा है, स्नैप स्पेसिफाई स्नैप इंक्रीमेंट एंड एनेबल और डिसेबल स्नैप पॉइंट्स। अब फिर भी एक और बार मैं आप लोगों को समझाऊंगा, जब आप लोगों को क्लिक करूँगा तो आप लोग ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि स्नैप क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक करा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, नियरेस्ट, वर्क प्लेन ग्रिड, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम लोग ऑटोकैड में जो स्नैप करते हैं, जो ओएस स्नैप बोलते हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप, उसमें क्या होता है, एंड पॉइंट मिड पॉइंट हम लोग को दिखता है। अगर उसमें उसको मैं ऑफ कर दिया और जब भी मैं उसमें कुछ बनाऊंगा या फिर मिड पॉइंट से मुझे लाइन बनानी है तो वो बनाने नहीं देगा जब तक मैं उसको एक्टिवेट ना करूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे ये अनचेक है, अनचेक है इट मीन्स कि आपका अभी स्नैप चालू है। अगर मैं इसको यहाँ पे डिसेबल कर दूंगा, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करा तो मेरा यहाँ पे स्नैप काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आप लोगों को अभी ये अनचेक है, डेट मीन्स ये मेरा ऑन है, ठीक है। इसको ओके करा और यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं एक वॉल बनाता हूँ, ये वॉल इस तरीके से कुछ किया मैंने। अब जैसे देखो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, एंड पॉइंट दिखा रहा है। फिर थोड़ा और जाएंगे ये क्या है, नियरेस्ट पॉइंट है। फिर थोड़ा बीच में जाएंगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा आपका एंड पॉइंट, ठीक है। वैसे ही आपका कुछ एंगल मैंने यहाँ पे कर दिया तो एंगल का आपका यहाँ पे डिस्टेंस दिखा देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ किया मैंने, ये देखो ये आपको क्या दिखा रहा है, एंगल दिखा रहा है 199.7921। ये इतना सर आपको क्या दिखा रहा है, ये आपका स्नैप के कारण हो रहा है। अदरवाइज मैं इसको क्या कर दूंगा, मैनेज में गया और स्नैप में जाऊंगा और इसको मैं यहाँ पे अनचेक कर दिया, शॉर्टकट दिया SO, ठीक है। और इसको यहाँ पे ओके कर दिया। अब जब मैं यहाँ पे कुछ बनाऊंगा तो ये मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं देगा। देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहा है, ना एंड पॉइंट पिक करने दे रहा है, ना मिड पॉइंट पिक करने दे रहा है, ना एंगल बनाने दे रहा है मुझे यहाँ पे कुछ। तो इससे क्या होगा, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इस चीज़ से, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप लोगों को मैनेज में जाना है। मैनेज में जाने के बाद यहाँ पे स्नैप में जाना है। स्नैप में जाने के बाद सबसे पहले तो ये आपका हमेशा ऑलवेज ऑन रहना चाहिए। ऑलवेज ऑन मतलब कि आपका ये अनचेक रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट स्नैप है, यहाँ पे एंड पॉइंट मिड पॉइंट जो भी आप लोगों को यहाँ पे चाहिए आप रख सकते हो। अगर नहीं चाहिए चेक नन करो, तो आप लोग को जो जो पॉइंट्स लग रहा है कि मुझे प्रोजेक्ट बनाते टाइम इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, तो वैसे भी सारे पॉइंट्स की जरूरत रहती है, तो इसको चेक ऑल ही रखो, ठीक है। अब इसके ऊपर जाते हैं, यहाँ पे दिया लेंथ डायमेंशन स्नैप इंक्रीमेंट और यहाँ पे दिया एंगुलर डायमेंशन स्नैप इंक्रीमेंट। आपको लेंथ बताऊंगा तो आपको एंगुलर अपने आप ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या दिया, ये 4 फीट, अभी मेरा ये फीट में चल रहा है। इसको मैं अभी क्या कर देता हूँ, इसको UN में जाके सेटिंग इसकी चेंज कर देता हूँ और इसको कर दूंगा मैं MM में, ठीक है। सेंटीमीटर हो गया, MM किया, ओके करा, अगेन ओके। अब जाऊँगा वापस से स्नैप में, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है हमारा, अनचेक किया, ये चालू हो गया, एक्टिवेट हो गया। लेंथ डायमेंशन स्नैप इंक्रीमेंट 1120 और ये 5। अब ये किस तरीके से दिखता है हमारे में, अब जैसे मैं यहाँ पे क्या है, अभी 1125 में है, मतलब अब देखो यहाँ से अगर मैं जब वॉल बनाता हूँ, वॉल बनाया, देखो ये 1000 में जा रहा है, ठीक है। पर अभी मेरा यहाँ पे क्या है, ये मेरा स्नैप चालू नहीं है, तो SO दबाऊंगा, मैनेज में गया, स्नैप में गया, चेक किया, ओके कर दिया, अभी दे रहा है। अब देखना दोस्तों ये मेरा क्या हो रहा है, 100 में जा रहा है, 3000, फिर 200, 3300, 35, 36, 37, 38, इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है मेरा, अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया, 41029। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारा ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो इधर में कर रहा है, इसको क्लिक कर दिया, जैसे अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये क्या दिखा रहा है, 2784.1। इसका मतलब ये है जब भी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इतना पोर्शन ना क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, जहाँ इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे आप लोग का जो पॉइंट्स है वो डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं जो आप लोग को बता रहा हूँ वो ये है, स्नैप में जाऊँगा तो अभी आप लोग को मैं बता रहा था कि क्या हो रहा था, 10-10 का आपका उसमें फ़र्क आ रहा था। क्यों आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे आपका सेट है। एक और बार मैं आपको एग्जाम्पल में करके दिखा रहा हूँ, आर्किटेक्चर में गया, वॉल में गया, अब देखो यहाँ से 1000, 5000, 6000, 7000, मतलब आप जितना दूर करोगे तो वो आपको कितने का आपका स्नैप लेगा, 11000 का आप लोग का स्नैप लेगा, ठीक है। अब जैसे मैं पास करता हूँ तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 100 का ले रहा है, 200, फिर 300,
400 क्या आ रहा है यहाँ पे, 100 का स्नैप ले रहा है। और जैसे पास जाता हूँ मैं तो देखते कितना लेगा ये, 100 का ले रहा है अभी भी, 600 700, और पास करते हैं यहाँ पे, मैं एक बनाता हूँ एकदम पास चले जाते, 20 60 80 100, ये 20-20 का इंटरवल ले रहा है। क्यों ले रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैनेज में स्नैप में हमारा 1000 का था, तो इसलिए जब हम लोग दूर में थे तो 1000 का वो स्नैप ले रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा पास गए तो 100 का इंटरवल ले रहा था, मतलब जैसे 200 हुआ, 300 हुआ, 400 हुआ। फिर उसके बाद 20-20 का ले रहा था, जैसे अभी 20 40 60 80, अगर और पास करता तो वो 5-5 का लेता, मतलब 25 30 35 40 45 50। तो यही होता है हमारा, क्या होता है लैंड डायमेंशन स्नैप इंक्रीमेंट, वैसी सेम टू सेम आपका एंगुलर में आएगा 90 डिग्री में आपका, मतलब कि जब आप कुछ एंगल बनाएंगे तो 90 डिग्री में दिखाएगा, 45 डिग्री 15 5 1 इतना डिग्री तक आपका पूरा वहां पे आपका स्नैप करते हुए दिखाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं इसको यहां पे किया और वॉल में जाता हूं, एक वॉल बनाता हूं, ठीक है। यहां से इसको मैं, अब देखो ये 120 125 130 135, और ये होगा 140, ये क्यों दिखा रहा है, 5-5 डिग्री का वहाँ पे आपका स्नैप होगा। मैनेज में गया, स्नैप में जाऊँगा तो देखो 5 डिग्री का यहाँ पे दिखा रहा है। और इसको करते हैं थोड़ा दूर जाते हैं, 35, ये इंटरसेक्शन जहाँ आएगा देखो दोस्तों यहाँ पे आपको हाईलाइट दिख रहा है, हाईलाइट जहाँ हुआ वहाँ पे क्या होगा आपका 38.98 सब, मतलब पॉइंट्स वाले आपको यहाँ पे एंगल दिखाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग क्या करना है, टैब दबाना है, टैब जैसे दबाएंगे तो देखो दोस्तों आपका ये इंटरसेक्शन से हट जाएगा, ठीक है। देख रहे हो टैब दबा रहा हूँ तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट में आ गया, वापस से टैब दबाऊंगा अपने कीबोर्ड में तो देखो ये आपके वो इंटरसेक्शन पॉइंट से दूर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये कैसा हो रहा है देखो, 55 60, और दूर करते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आपका काम करेगा दोस्तों, ठीक है। तो वापस से स्नैप में गया, तो यही होता है आपका, अगर आप लोग को यहाँ पे इसका इंक्रीमेंट करना है, मतलब 5 के बदले अगर आपको यहाँ पे 10 भी करना है तो आप यहाँ पे 10 भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैं इसको 10 दे दिया और एंटर करूँगा, और जब यहाँ से मैं वॉल बनाता हूँ, और पास करना पड़ेगा मुझे, और पास करना पड़ेगा, थोड़ा सा और जूम करके करना पड़ेगा, ये देखो 10 20 30 40 50, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैनेज में इसको 10 का भी इंटरवल यहाँ पे दे दिया था, यहाँ पे मैंने 5 के बाद दिया था, ये ऑटोमेटिकली उसको सेट कर देता है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ओके दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये स्नैप के साथ खेलेंगे। अगर इसको आप इसको यहाँ पे चेक कर दोगे तो मेरा स्नैप बंद हो जाएगा, मतलब आपका स्नैप ऑफ हो जाएगा, और इसको आप अनचेक रखेंगे दैट मीन्स हमारा स्नैप एक्टिवेटेड है, ठीक है, जिससे हमारा एंड पॉइंट ये सब काम करेगा, ओके। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था देखो, साइकिल थ्रू स्नैप, यहाँ पे टैप दबा रहा था तो वो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट से हट जाता है। तो यहाँ पे और भी ऐसी चीज़ें कुछ कुछ दिए हुए हैं, तो आप लोग इसको यूज़ करेंगे और चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। वैसे जो बेसिकली जो मेन आप लोगों को चाहिए रहता है वो हमारा इसी से काम हो जाता है, और ये जो लेंथ डायमेंशन और एंगुलर डायमेंशन दिया है इससे हमारा काम हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यही होता है हमारा स्नैप सेटिंग, ओके। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रैबिट के बारे में और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे। सो थैंक यू सो मच।